हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर्स। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं ईआरसीपी के बारे में, दैट मीन एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रेटोग्राफी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में, इसके डेफिनेशन के बारे में अपन स्टडी करेंगे कि इसके डेफिनेशन क्या है। पहले तो डेफिनेशन में क्या जाएगा इसके, ये एक क्या होता है डेफिनेशन में, ये एक टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल टेक्निक से, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, एक ही इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि इसमें कंबाइन होता है किसका, एंडोस्कोपी का और फ्लोरोस्कोपी दोनों का यूज होता है, किसको ट्रीट या डायग्नोस करने के लिए, बिलियरी ट्रैक्ट और पैनक्रियाटिक डक्टल सिस्टम को। तो इसके अंदर एक और वाया कॉन्ट्रास्ट, इंट्रोडक्शन, दैट मीन कह सकता हूँ कि इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट का इंट्रोड्यूस करके, कॉन्ट्रास्ट इसके अंदर पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करके अपन इसकी स्टडी करते हैं, बिलियरी ट्रैक्ट और ये पैनक्रियाटिक डक्टल सिस्टम होता है ना उसकी, किसके थ्रू करते हैं, एक एंडोस्कोप को जीआईटी के अंदर डालते हैं और उससे फिर इसको स्पिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू इसमें बिलियरी ट्रैक्ट के अंदर उसको आगे पास किया जाता है और उसके बाद में इसकी जो फ्लोरोस्कोपिक इमेज होती है वो ली जाती है कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन करके। सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर, इसके फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डायग्राम देख लेते हैं। फिर इसका ये लीवर का डायग्राम है, इसके अंदर ये पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज हो जाएगा इसके अंदर और ये लीवर हो जाएगा, इसकी ये राइट लोब हो जाएगी, इसकी लेफ्ट लोब हो जाएगी और इसके अंदर जो ये दे रखा है जो बिलियरी ट्री है, ये जो डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, ये दिखा रखा है, ये शो कर रखा है यहाँ पे, ये बिलियरी ट्री का है और ये यहाँ गॉल ब्लैडर हो जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट हो जाएगी यहाँ पे और ये इसकी मैन पैनक्रियाटिक डक्ट हो जाएगी, ये वाली जो कि ऐसी होती है। तो अपन इसके बाद में इसके ये दूसरे एक और डायग्राम देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट डायग्राम में इसमें दिखा रखा है अपन को, एक एंडोस्कोप को यहाँ से इंट्रोड्यूस किया जाता है माउथ से और फिर ये इसोफेगस से होती हुई स्टमक में आते हैं, स्टमक से जुड़े रहने में फिर यहाँ से पास होकर स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लड या पैनक्रियाटिक डक्ट से होती हुई अंदर जाती है, फिर यहाँ तक भेजा जाता है कॉमन बाइल डक्ट तक, पैनक्रियाटिक ट्री तक पर इसके थ्रू एक कैथेटर डाला जाता है, इस कैथेटर के अंदर फिर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है। सेकंड पॉइंट है इसका इंडिकेशंस। इंडिकेशंस क्या है इसके, इसके दो इंडिकेशन, इसको डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए किया जाता है इसको और एक दूसरा उसका थेरापेटिक। तो डायग्नोस्टिक मतलब जाँचने के लिए, थेरापेटिक मतलब ट्रीट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस्टिक के अंदर फर्स्ट पॉइंट है बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट की डिफॉर्मिटीज, कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज हो सकती है बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर, स्ट्रिक्चर हो सकता है यानी कि नैरोइंग हो सकती है जो बाइल डक्ट है ना उसके अंदर, वो जैसे ऐसे उसका साइज है तो उसका साइज मतलब ऐसे बदल जाए, मतलब एकदम सकरा हो जाए, स्ट्रिक्चर हो जाए, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है कहीं पे भी, जैसे ऐसे यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है कुछ, या फिर ट्यूमर फॉर्मेशन हो, जैसे यहाँ पे ट्यूमर बन जाए ऐसे। और फोर्थ है इसका जैसे कोलेंजाइटिस एंड पैनक्रेटिक, दैट मैं कह सकता हूँ कि कोलेंजाइटिस मतलब जो पैनक्रेटिक जो बाइल डक्ट है उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन हो जाए, पैनक्रेटाइटिस मतलब जो पैनक्रेटिक डक्ट होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, पैनक्रेटिक डक्ट के अंदर ये स्वेलिंग हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए। और कोलेलिथियासिस का मीन हो जाएगा कि जो अपने गॉल ब्लैडर है उसमें स्टोन हो, यह मैं कह सकता हूँ कि बिलियरी ट्रैक के अंदर स्टोन हो, तो उस कंडीशन को अपन कोलेलिथियासिस से इंडिकेट करते हैं। सेकंड, अब इसके अंदर सेकंड पॉइंट हो जाएगा गॉल स्टोन एंड डायलेटेड बाइल डक्ट, वो इसी के अंदर आ गया, वो ऊपर स्टडी कर ली अपने डायलेटेड बाइल डक्ट के अंदर, इसको बोलते हैं कोलेंजाइटिस। गॉल स्टोन प्रॉब्लम हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है उस कंडीशन के अंदर भी जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है बिलियरी ट्रैक्ट को, उस कंडीशन में इसको डायग्नोस करते हैं। और फोर्थ पॉइंट है इसका स्पिंक्टर ऑफ ओडाई क्या हो जाए, जब डिस्फंक्शन हो जाए, ये जहाँ पे होता है स्पिंक्टर ओडाई, जैसे कि ये कॉमन बाइल डक्ट होगी और ये स्पिंक्टर ऑफ ओडाई यहाँ पे होता है,
और ये हो जाएगी इसकी पैनक्रियाटिक रिडक्टर। तो यहाँ पे जब ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्या हो जाए, डिसफंक्शन हो जाए, उस कंडीशन में भी इसको किया जाता है। सेकंड इसके थेरापोटिक इंडिकेशन, थेरापोटिक इंडिकेशन में क्या हो जाएगी, जैसे स्फिंक्टर ओटोमी, स्फिंक्टर ओटोमी फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो जाएगा। जैसे स्फिंक्टर को हटाना हो या स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को हटाना हो तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ स्फिंक्टर ओटोमी। सेकंड है स्टोन को रिमूव करना हो किडनी से। थर्ड पॉइंट हो जाएगा स्टेंटमेंट, स्टेंट का प्लेसमेंट करना हो कब, जब स्ट्रिक्चर हो जाए उसके अंदर, जब बिलियरी ट्रैक्ट के अंदर। बैलून डायलेशन करना हो, रिमूव करना हो ऑब्स्ट्रक्शन को, और जो टिश्यू सैम्पलिंग हो या बायोप्सी उसके लिए भी इसको करते हैं, और कोलेसिस्टेक्टोमी। दैट मीन इसे कह सकता हूँ कि गोल ब्लैडर को रिमूव करना हो उसको बोलते हैं कोलेसिस्टेक्टोमी। थर्ड है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या क्या हो सकते हैं, पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट एलर्जी हो सकती है, प्रेगनेंसी स्टेज में है तो तब भी अपन इसको नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कि अपन कौन सी कंडीशन में ये प्रोसीजर होता है नहीं कर सकते, कॉन्ट्राइंडिकेट होता है कौन कौन सी सिचुएशन के अंदर। थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसका एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, मतलब एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस मतलब अचानक से पैनक्रियाट जो इन्फ्लामेशन हो जाए पैनक्रियाज के अंदर, तो उस कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। रिसेंट मायोकार्डियल इन्फारक्शन, उस कंडीशन में इसको नहीं कर सकते हैं। पल्मोनरी डिसऑर्डर, कोगुलेशन डिसऑर्डर, इसोफेजल स्टिनोसिस हो जाए, या फिर कार्डियोपल्मोनरी डिजीज हो, इन सभी कंडीशन के अंदर अपन एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है प्रोसीजर। इसका फोर्थ पॉइंट है इसका कॉन्ट्रास्ट मीडिया। थर्ड पॉइंट कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया में क्या हो जाएगा इसका, एक इसमें अंदर वाटर सोल्यूबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज किया जाता है, जो कि लो ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसके अंदर यूरोग्राफिन 60% या आइप्रोमिड, इन दोनों का यूज कर सकते हैं इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट है इसके इक्विपमेंट्स के, नेक्स्ट में इक्विपमेंट्स में कौन कौन से हो जाएगा, फ्लोरोस्कोपी यूनिट विथ IITV सिस्टम, एंडोस्कोप चाहिएगा अपने को, एनेस्थीसिया, सीडेटिव, कैथेटर, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ग्लव्स। एंडोस्कोप चाहिएगा अपने को, एंडोस्कोप का डायग्राम अभी दिखाया था अपने को, ये देखो एंडोस्कोप यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ से एंडोस्कोप माउथ के थ्रू यहाँ पे स्टोमक से होती हुई आती है डुओडेनम के अंदर, फिर यहाँ से स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू बिलियरी ट्रैक्ट के अंदर इसको भेजा जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसका पेशेंट की प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन में क्या करते हैं अपन, पेशेंट को बोलते हैं कि एग्जाम प्रोसीजर होता है उससे ही नथिंग बाय माउथ, मतलब 4 आवर पहले तक कुछ नहीं खाना चाहिए, नथिंग बाय मतलब मुंह से, या तो ड्रिंक नॉट ड्रिंक एंड नॉट ईट पेशेंट। सेकंड पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर रूटीन मेडिकल टेस्ट, उसमें कौन कौन से हो जाएंगे, CT, VT एंड प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट। CT मीन्स क्लोटिंग टाइम, और BT दैट मीन मैं कह सकता हूँ ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम कितने टाइम तक ब्लीडिंग रहेगी, वो भी सब अपन को टेस्ट करवा लेना चाहिए पेशेंट का, ये हो जाएगी इसके अंदर। तो ये सब चेक, ये सब रिपोर्ट्स अपन को देखनी चाहिए सबसे पहले पेशेंट की। उसके बाद में पेशेंट ब्लड थिनर्स, अगर पेशेंट ब्लड थिनर्स ले रहा है उस जिस कंडीशन में, अगर पेशेंट ब्लड थिनर्स ले रहा है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, उसको बोलेंगे कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करे एक बार। उसके बाद में अपन इसके पेशेंट प्रिपरेशन के बाद में अपन इसके प्रोसीजर के अंदर आएंगे। प्रोसीजर में सबसे पहले पेशेंट को कहेंगे कि पेशेंट आस्क टू पेशेंट वियर द हॉस्पिटल गाउन, पेशेंट को कहेंगे हॉस्पिटल का गोवा गाउन पहने, और उसके बाद में टेबल पर लेट जाए, टेबल के कोच पर लेट जाए ऑन द लेफ्ट साइड। सेकेंड पॉइंट इसमें पेशेंट रिसीव ए लोकल एनेस्थीसिया, पेशेंट को एक लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, और उसके बाद में एक एंडोस्कोप को इंसर्ट किया जाता है, किसके थ्रू, माउथ के थ्रू, और डाउन नीचे जाता है इसोफेगस होते हुए किसके अंदर, स्टोमक के अंदर, और उसके बाद में थ्रू द पाइलोरस, पाइलोरस से होते हुए किसके अंदर जाता है, डुओडेनम के अंदर, जहाँ पर इसके एम्पुला ऑपरेटर से एग्जिस्ट करता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई मस्कुलर एम्पुला ऑपरेटर से होते हैं। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्या होता है इसके अंदर, एम्पुला ऑपरेटर के ऊपर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई एक मस्कुलर वाल होता है जो कंट्रोल करता है ओपनिंग ऑफ द एम्पुला, जो एम्पुला ऑपरेटर होता है ना उसकी जो ओपनिंग होती है उसको कंट्रोल करता है, इसके ऊपर होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद प्रोसीजर के बाद में, प्रोसीजर में ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर एक पॉलीथीन कैथेटर, उसके बाद में अपन पॉलीथीन कैथेटर होता है
उसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, वो एम्पुला के थ्रू करते हैं, और उससे कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट किया जाता है कि किसके अंदर, बाइल डक्ट के अंदर और पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर। फ्लोरोस्कोपी का यूज करते हैं उसके बाद में अपन, और जो ब्लॉकेज होता है या फिर अदर लेसन्स वगैरह होते हैं, स्टोन्स वगैरह होते हैं, उनको अपन देखते हैं इसके अंदर, फ्लोरोस्कोपी के अंदर, और उसकी फिल्मिंग करते हैं। इसके बाद में फिल्मिंग में आ जाएंगे, इसका जो पैनक्रियाज की फिल्मिंग लेंगे तो उसमें प्रोन पोजिशन में लेंगे, एक तो एक लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक और एक राइट पोस्टीरियर ओब्लिक। बाइल डक्ट की लेंगे तो बाइल डक्ट के अंदर हो जाएगा इसकी प्रोन पोजिशन में, सुपाइन पोजिशन में, और वही लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक और राइट पोस्टीरियर ओब्लिक, ये कंडीशन, ये इसकी फिल्मिंग के पोजिशन हो जाएंगे इसके अंदर। और इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इसके ये डायग्राम है इसका फ्लोरोस्कोपी का, ये एक रेडियोग्राफ है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये तो हमने जो इंट्रोड्यूस किए हैं एंडोस्कोप वो है, और यहाँ पर ये कॉमन बाइल डक्ट को दिखा रहा है यहाँ पे ये, और ये बिलियरी ट्री को दिखा रहा है। इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर वगैरह है यहाँ पे इस कंडीशन में, यहाँ पे ये नैरोइंग है यहाँ पे, तो ये शो कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट इसका आफ्टर केयर में क्या होता है, मॉनिटर वाइटल साइंस और सिक्स आवर एडवाइज नथिंग बाई माउथ अंटिल सेंसेशन रिटर्न टू द फेरिंग्स, जब तक फेरिंग्स तक सेंसेशन रिटर्न नहीं हो जाए तब तक पेशेंट को बोलेंगे कि वो कुछ भी खाए या पिए नहीं। इस कंडीशन में क्या होता है कि एस्पिरेशन हो सकता है, एस्पिरेट कर सकता है पेशेंट, लंग्स के अंदर कुछ भी चला जा सकता है, जब वो फूड या ड्रिंक करे तो उस कंडीशन में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि कुछ समय के लिए, जब तक कि सेंसेशन रिटर्न नहीं हो जाए तब तक उसको कुछ नहीं खाना पेशेंट को। तो गाइज आज ये अपन अपना ये कंप्लीट हुआ ERCP, और इसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रोसीजर लेंगे। तो इसके लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू गाइज, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू।